वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल केटी कपिल तलरेजा। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, वॉच टिल एंड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें गूगल में जाना है। वहां पर को टाइप करना है आपले सरकार डॉट महाऑनलाइन डॉट जीओवी डॉट इन। तो फ्रेंड्स, किस तरह से आपका पेज ओपन होगा, यहाँ पर ऊपर लिखा है महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी न्यू यूज़र हैं उनका रजिस्टर हियर का ऑप्शन आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बता देता हूँ कि इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक नोटबुक और एक पेन लेकर रख दीजिए, क्योंकि जो भी आपको सर्टिफिकेट निकालना है वो डिपार्टमेंट के थ्रू रूट होगा दोस्तों। अगर आपको डिपार्टमेंट का नाम याद होगा तो इजीली उस सर्टिफिकेट तक आप पहुँच सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप डिपार्टमेंट का नाम लिख लीजिएगा, हायर एडुकेशन एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट। इसमें दोस्तों जो सर्टिफिकेट हम लोग निकालने जा रहे हैं उसका नाम है डुप्लीकेट डिग्री सर्टिफिकेट। फ्रेंड्स, इनके अंदर जाना है हमें। यहाँ पर आपको बताएगा आपको डॉक्यूमेंटेशंस कौन से अपलोड करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट का नाम भी आ गया है, लाइसेंस फॉर सेल एट अ क्लब ऑफ इम्पोर्टेड फॉरेन लिकर पोर्टेबल एंड इंडियन मेड फॉरेन लिकर पोर्टेबल ऑन विच इज एक्साइज ड्यूटी हैज़ बीन पेड एट स्पेशल आई लाइसेंस इन फॉर्म FL4 गारंटेड अंडर द मुंबई फॉरेन लिकर रूल्स 1953। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको देना है, फाइनेंशियल ईयर मार्कशीट। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे तीन है दोस्तों, पॉलिसी पुलिस FIR पॉलिसी NC, एनेक्स्टर ए सेल्फ डिक्लेरेशन, एनेक्स्टर बी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर सेल्फ अटेस्टेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टाइम लिमिट भी दिया हुआ है दोस्तों, 60 डेज का। डेजिग्नेशन ऑफिसर का नाम भी दिया हुआ है यहाँ पे, कलेक्टर। यहाँ पे जब भी आप अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बोलेगा। तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें नए हैं तो आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आपले सरकार में, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का आ रहा है ऑप्शन, आ रहा है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन हियर। तो इसमें देखिए दोस्तों, जब भी आप ओपन करते हैं तो उसमें आपको ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आ रहा है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन 2 में जाके टिक करना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे ही आप ऑप्शन 2 में जाते हैं, यहाँ पर एप्लीकेंट नंबर 1 का डिटेल आपको मांगता है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आपको पहले सैल्यूटेशन में जाना है। इसमें जो भी हैं जी, कुमार है, कुमारी है, मिस्टर मिसेस, श्री श्रीमती जो भी हैं वो इसमें आप डाल सकते हैं। सपोज़ यहाँ पे इसकी अच्छी बात ये दोस्तों, जो भी आप यहाँ पे नाम डालेंगे इंग्लिश में, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नीचे मराठी में चेंज हो जाएगा या पकड़ लेगा। सपोज़ मैं अपना नाम डाल लेता हूँ इसमें। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैं इसमें नाम डाल लेता हूँ, मैं अभी नेक्स्ट इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, खुद ब खुद इस इंटरनेट में इसमें आपको नेम इसमें मराठी में चेंज हो गया दोस्तों, तो आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, फादर्स नेम आपको डालना पड़ेगा, फादर सैल्यूटेशन में आपको नाम डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसमें नाम डाल दीजिए। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें आप डाल दीजिएगा। इसमें पहले आप यस सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। मैं स्लोली जा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप आराम से इसको देख सकें और इसको अप्लाई भी कर सकें। ठीक है दोस्तों,
तो जो भी इसमें डेट आपको बर्थ है उसमें आपका एज यहाँ पे खुद ब खुद यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा दोस्तों, जेंडर में मेल फीमेल। ऑक्यूपेशन में दोस्तों आपको देखना है कि जो भी आपका ऑक्यूपेशन है वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। सपोज़ अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस, डॉक्टर है तो डॉक्टर, इंजीनियर है तो इंजीनियर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ, लॉयर, नर्स, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है दोस्तों। ये सब जो भी है, इसमें स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका वन सेक्शन पूरा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आ रहा है दोस्तों सेकंड सेक्शन। सेकंड सेक्शन दोस्तों एप्लीकेंट एड्रेस एज पर डी डॉक्यूमेंट। तो जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे आप डाल दीजिए दोस्तों, जो भी इसमें आपका बिल्डिंग वगैरह का नाम है, ठीक है दोस्तों। सपोज़ ये इसमें आप डाल दीजिए, इसमें आपको डालना पड़ेगा आपका जो बिल्डिंग का नाम है, इसमें जो आपका बैरक नंबर है वो आप डाल दीजिए। रूम नंबर इसमें आपका है जो भी आप इसमें डाल दीजिए। स्ट्रीट का जो भी नाम है, जो भी रोड का नाम है उसमें डाल दीजिए, ठीक है दोस्तों। स्ट्रीट जैसे इसमें मेन बेनिफिट वही है कि इसमें मेन बेनिफिट वही है दोस्तों कि जो भी आप टाइप करते हैं उसमें आपका आ जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे यहाँ पर ये पकड़ता जाएगा। सेक्शन आपको लिखना पड़ेगा, जो भी बिल्डिंग है वो आप इसमें नाम डाल दीजिएगा। लैंडमार्क बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, ताकि इजीली सामने वाले को एड्रेस मिल सके कि आपके ऑपोजिट में क्या है, घर के नज़दीक में क्या है, जो फेमस जगह है मतलब, इसमें आपको डालना पड़ेगा। इसमें जो जो स्टार जहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों रेड में, वो आपको कंपलसरी इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। सपोज़ इसमें मुंबई सिटी का है तो बॉम्बे सिटी में आपको डालना पड़ेगा, मुंबई सबअर्बन, मुंबई सबअर्बन, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप पहुँच गए होंगे। इसमें और आगे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका इसमें तालुका जो भी आपका आता है वो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मेरा उल्लासनगर में है तो उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आ जाएगा। जो भी आपका शहर का पिन कोड है वो भी कंपलसरी आपको डालना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जाता हूँ दोस्तों मैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर और यूज़र नेम वेरीफिकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आप इसमें मोबाइल नंबर आप इसमें डालेंगे, यहाँ पे सेंड ओटीपी आपको करना पड़ेगा। जो भी आपको उसमें ओटीपी आएगा उसमें आपको वन टाइम पासवर्ड डालना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड नंबर इसमें कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको डालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जो भी यूज़र नेम आपको बनाना है दोस्तों, इसमें आप इसमें बना सकते हैं। इसमें यूज़र नेम मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप इसमें डाल दें, ताकि आपको यूज़र नेम याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े। नीचे आपका ईमेल आईडी आपको डालना ही पड़ेगा, @gmail.com जो भी है, ऊपर आपको यूज़र नेम आपको क्रिएट करना पड़ेगा इस वेबसाइट के लिए। पासवर्ड जो भी आपको ईजी है आपको याद रखना है, आप कर सकते हैं। सबसे मेन बड़ी बात दोस्तों, जो अपलोड फोटोग्राफ है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। ये फ़ोटो जो आप अपलोड करेंगे यहाँ पे, इसमें कुछ साइजेस दिए हुए हैं, कुछ कंपनी इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है। सबसे पहले बोले दोस्तों, द साइज़ ऑफ द फोटोग्राफ शेल बी बिटवीन 5 KB to 20 KB। ये साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए दोस्तों, ये KB का होनी चाहिए। और जो फ़ोटो होना चाहिए वो JPG फाइल में होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसमें जो विड्थ होनी चाहिए वो इसमें आपको 160 मेगापिक्सल होनी चाहिए दोस्तों। उसमें जो हाइट ऑफ द फोटोग्राफ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 200 से 212 पिक्सल होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको फ़ोटो यहाँ पे इसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे चूज़ फाइल में जाके, ठीक है दोस्तों। जैसे आप उसको अपलोड कर रहे हैं उसके बाद आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो आपको दिखा दे देंगे दोस्तों, ऐड फ़ोटो में जाके, चूज़ फाइल में जाके उसमें आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके बाद आता है दोस्तों प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जैसे ये आपका JPG फाइल होना चाहिए, इसमें जैसे कि अगर आपका पैन कार्ड है, अगर वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गवर्नमेंट का है, या कोई भी है, इसमें आपको जो भी आपको इसमें डालना है आप इसमें डाल दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसमें प्रूफ ऑफ एड्रेस है दोस्तों, प्रूफ ऑफ एड्रेस में दोस्तों अगर आपको इसमें भी JPG फाइल होना चाहिए, ये यहाँ पर भी देखिए दोस्तों एक क्राइटेरिया दिया हुआ है, द साइज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट बिटवीन 75 KB to 100 KB। और उसमें भी दिया हुआ है कि 75 KB to 100 KB। तो यहाँ पे आप ड्राइविंग लाइसेंस ऐड कर सकते हैं, वोटर आईडी ऐड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे आपको टिक करके
रजिस्टर करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये बहुत ही ईजी है दोस्तों। अगर आपको मेरा ऐप आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरा पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।